जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या को खत्म करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अम्ल तथा क्षारकों को पहचानने में भाई बड़ी दिक्कत होती है, देखते ही नहीं पहचान पाते कि ये अम्ल है कि क्षार है। यहाँ तक कि दोस्तों 12th और 11th के बच्चों को भी ये नहीं आता। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही पहचान जाओगे। जी हाँ दोस्तों, देखते ही जान जाओगे कि वो तत्व जो है अम्लीय है या क्षारीय है या फिर क्या है, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से आपको अम्ल और क्षार की अलग अलग पहचान करना बताऊंगा और बोर्ड एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक दो अंक का MCQ आपके एग्जाम में आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, 7 से 8 मिनट की होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अम्ल तथा क्षारकों को अलग अलग पहचानने की ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अम्ल को पहचानने की ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। अम्ल को पहचानने की ट्रिक है दोस्तों, जो भी आपको रासायनिक सूत्र मिले, ठीक है ना, जो भी आपको रासायनिक सूत्र मिले उसके शुरू में आप लोग देखेंगे, आपको क्या दिखेगा, H दिखेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, उसके शुरू में आपको H दिखेगा। शुरू में अगर आपको H दिखने को मिल जाए तो समझ जाना कि भाई ये अम्ल है। लेकिन देखना, अभी मैं आपको पहले पूरा वीडियो देखिएगा, पहले से ही कमेंट मत करने लगिएगा, पहले पूरा समझिए उसके बाद कमेंट में अपना अनुभव बताइएगा। तो यहाँ पर देखो, आइए इसका इस ट्रिक का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप इसको देख रहे हैं HCl, शुरू में आपको क्या दिख रहा है, H दिख रहा है। भाई ये एक अम्ल है, निस्संदेह बिना कोई सोचे समझे आप लिख दोगे कि ये एक अम्ल है, ठीक है। पहली बात, H2SO4 को देखो, H शुरू में है, हाँ भाई है, ये भी एक अम्ल है। इसके बाद इसमें देखो, H2SO3 में H है ना, H से शुरू हो रहा है ना, तो ये भी अम्ल है, ठीक है। उसके बाद HNO3 में देखो, शुरू में H से शुरू हो रहा है, तो ये भी अम्ल है। उसके बाद देखो भाई, HBr ये भी अम्ल है, H2S ये भी अम्ल है, HF ये भी अम्ल है। अब देखो, अम्ल तो अब देखते ही आप पहली ही बार में समझ जाओगे कि भाई ये अम्ल है जो H से शुरू होगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना, ठीक है ना। उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, H3BO3 ये भी अम्ल है, H3PO4 ये भी अम्ल है, HClO3 ये भी अम्ल है, और HNO2 ये भी अम्ल है, और H3PO3 ये भी अम्ल है, क्योंकि ये सभी H से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला ट्रिक आपको समझ में आया कि देखते ही कोई भी आपको रासायनिक सूत्र मिले उसके पहले अक्षर को देखो कि क्या वो H से स्टार्ट हो रहा है। अगर H से स्टार्ट हो रहा है तो निस्संदेह आप उसको अम्ल कह दो, ठीक है। उसके बाद देखो, दूसरी ट्रिक आपको करना क्या है, तो देखो अधातुओं के ऑक्साइड अगर आपको मिले, ध्यान देना दूसरी ट्रिक को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी ट्रिक है ये भी। अधातुओं के, आप लोग इसको भी समझ जाओगे, ठीक है ना, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब इसका हम क्या कहाँ पर उपयोग करेंगे, देखो अधातु आप लोग क्या करेंगे, 2-4-10 अधातुओं के नाम याद कर लेंगे जो मुख्य हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पर अधातुओं के ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन देखिए अधातुओं का ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर ये बना हुआ है, ये क्या है, अम्लीय है। कहने का मतलब, दूसरी ट्रिक का मतलब क्या है कि जो भी अधातुओं से बनेंगे ऑक्साइड, यानी अधातुवीय ऑक्साइड, ठीक है ना, अधातुओं से बनने वाले ऑक्साइड, निस्संदेह आप उसमें अम्लीय लिख दोगे। क्या लिख दोगे, अम्लीय लिख दोगे। जैसे यहाँ पर देखो, सल्फर भी एक अधातु है, इससे बनने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, निस्संदेह आप लोग अम्लीय लिखिए, तनिक भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रकृति भी अम्लीय है, भले ही गैसीय अवस्था में रहता है लेकिन प्रकृति इसकी भी अम्लीय है, ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, 2-4-10 अधातुओं के नाम याद करना है, ठीक है ना, जो जो मुख्य हैं, जिनसे ज़्यादातर तत्व बनते हैं। और उसके बाद देखना है कि जो अधातुओं का ऑक्साइड है उसको बिना सोचे समझे आपको अम्लीय लिख देना है, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते ही हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, तीसरी ट्रिक देखिए, कमेंट बॉक्स पर अब आप एक्टिव हो जाइए, वहाँ पर प्रत्येक ट्रिक को लिखिए। पहली ट्रिक आपको लिखना है कि जो भी सूत्र मिले उसका शुरुआती अक्षर H होना चाहिए। दूसरी ट्रिक आप लोग लिखेंगे, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीसरी ट्रिक देखो, कोई भी प्रतीक आपको मिलेगा, यानी कोई भी रासायनिक सूत्र मिलेगा, उसके अब लास्ट में आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में देखना है। अगर आपको COOOH मिल जाए, क्या मिल जाए, COOOH मिल जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे कि भैया ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है। अच्छा भाई, और इसको भी देख लेते हैं, इसमें देखो आपको क्या मिला, COOOH मिला, भाई क्या हो गया, अम्ल हो गया, बिना सोचे समझे अम्ल लिख दो। यहाँ पे देखो, COOOH मिला, ये भी अम्ल है। यहाँ पे देखो, COOOH मिला, ये भी अम्ल है। यहाँ पे देखो, COOOH मिला, ये भी अम्ल है।
लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जब तक सी डबल ओ ओ एच मिलेगा तब तक आप लोग अम्ल कहेंगे, लेकिन अगर केवल ओ एच मिला, केवल ओ एच मिला तो सावधान हो जाइए, यहाँ पर गलती नहीं करना। केवल अगर ओ एच मिला तो सावधान हो जाइए, यहाँ पर गलती नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अब ये ट्रिक देखिए, अम्ल के लिए हो गया, अम्ल के लिए मैंने तीन ट्रिक आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब क्षार के लिए ट्रिक देखो, क्षार के लिए क्या देखना है, लास्ट में आपको ओ एच मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, ओ एच मिलेगा। बस यही ध्यान देना है कि अम्ल में डबल सी डबल ओ एच मिलेगा और क्षार में आपको ओ एच मिलेगा, ठीक है। क्षार में केवल ओ एच मिलेगा, यहाँ पे देखो सी ए ओ एच लास्ट में है, यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ओ एच लास्ट में है, यहाँ पर देखो ओ एच लास्ट में है, तो आप लोग कह देंगे भैया ये क्षार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो ओ एच यहाँ पर भी आपको लास्ट में मिलेगा, यहाँ पर भी ओ एच आपको लास्ट में मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको ओ एच लास्ट में मिल रहा है। तो भाई ये हो गया क्षार को पहचानने की ट्रिक नंबर वन, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे ट्रिक में। दूसरा ट्रिक कहता है, पहला ट्रिक तो ये है कि लास्ट में आपको ओ एच मिलेगा। दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के नाम तो आप लोगों को याद ही होंगे, ठीक है ना, सोडियम धातु, एल्यूमिनियम धातु, ठीक है ना। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी ट्रिक क्या कहती है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जैसे यहाँ पर देखो V2O3 एक धातु से मिलकर के बना है, ये क्या है, क्षारीय है, ठीक है। यहाँ पे देखो TiO2 ये भी क्षारीय है, Fe2O3 ये भी क्षारीय है, MnO2 ये भी क्षारीय है, ठीक है। AlCl3 लिख लो, ठीक है ना, AlCl3 ये भी क्षारीय है, यानी कि दोस्तों MgCl2 लिख लो, यानी जो धातुओं के ऑक्साइड आपको मिलेंगे, धातुओं के ऑक्साइड मिलेंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्साइड रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको नहीं लिखेंगे, आप लोगों को लिखना है तो MgO लिख सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, धातुओं से मिलकर के बना है, तो ये भी क्या है, क्षारीय है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेहतरीन ट्रिक बताए, जिससे भैया आप पूरे का आप जान सकते हो, पूरे का जान सकते हो कि कौन क्या है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन क्या है। बस ट्रिक को कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो और सबको ये ट्रिक मिले, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।